नमस्कार साथियों, मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों की डिमांड पे मैं आपके लिए लेके आया हूं, आपके लिए एज मतलब की आयु। आपको बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर एज पढ़ा दो, एज पढ़ा दो, एज पढ़ा दो। तो ये वाला आपका सेशन होने वाला बड़ा जबरदस्त, और इस वाले सेशन का नाम है एक क्लास सब खल्लास। तो एज के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन और सारे सारे जो है जितने भी आपके टाइप या क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। तो एज जो है एक कॉमन चैप्टर है जो आपका रीजनिंग में भी आता है। देखो वैसे देखा जाए आपने एज जो है आपने मैथ में पढ़ा होगा, लेकिन एज के जो क्वेश्चन है वो आपके रीजनिंग में भी आते हैं, इसलिए आपके जो है रीजनिंग के दृष्टिकोण से भी एज आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चले जी बिना देरी के हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है क्रैश कोर्स। सिपाही बैच में आपके लिए लेकर आई है क्रैश कोर्स, और इसमें आपका ऑफर चल रहा है। ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र 250 रुपए में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। चलिए जी आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और बनाने की कोशिश करो इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले याद रखना ये मैथ का ही पोर्शन होता है, लेकिन रीजनिंग में भी आपका आज की डेट में आज के टाइम लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एज के आपके, ठीक है। तो याद रखना यहां पे इससे आपका दो जगह फायदा हो जाएगा, मैथ में भी और रीजनिंग में भी। और अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है मेरे छोटे भाई बहनों, उसकी लैंग्वेज, उसकी जो भाषा है, जो कहना क्वेश्चन चाह रहा है उसकी भाषा अगर समझ गए आप तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। देखो ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो और फिर बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा ए बी से 8 साल छोटा है, ए जो है वो बी से 8 वर्ष छोटा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है, आपसे पूछा ए की वर्तमान आयु क्या है। देखो इसने क्या कहा, जैसे जैसे ये कहेगा वैसे वैसे आपको और मुझको दोनों को चलना है। इसने कहा ए जो है वो बी से 8 साल छोटा है, कौन छोटा है, ए, कौन बड़ा हुआ, बी। तो इसका मतलब यह हुआ अगर ए बी से छोटा है तो बी और बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा, यही तो कहना चाह रहा। ए बी से कितने साल छोटा है, 8। इसका मतलब ए और बी की जो उम्र है, एज है, उनमें जो अंतर है कितने का अंतर है, आपके क्वेश्चन यहां पे 8 का अंतर कह रहा है, 8। आगे क्या कहा, आगे इसने ये कहा कि आपका ए और बी की वर्तमान आयु का योग 42 है, आपका ए और बी की एज अगर दौड़ दी जाए तो उनका योग कितना 42। देखो हमने पहले बी लिया तो हम यहां पे भी बी ले लेते हैं और इन दोनों की एज को हम जोड़ दें, अगर इनका सम देखें तो इनका सम कितना दिया 42। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ए की वर्तमान आयु क्या होगी। देखो अब क्वेश्चन को जल्दी बनाने, ये क्वेश्चन बनेगा विदाउट कॉपी पेन, कैसे बनेगा, आपको मेरी थोड़ी सी बातों पे ध्यान देना है। देखो ध्यान से सुनना सारे के सारे, जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, जब भी दो नंबरों का सम और दो नंबरों का डिफरेंस दिया हो, बड़े वाला नंबर चाहिए अगर आपको ऐसी चीजें हैं, जैसे यहां पे दो संख्याओं का, दो चीजों का अंतर डिफरेंस है और दो चीजों का योग मतलब कि सम है, तो अगर बड़े वाली चीज चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो और छोटी वाली चीज चाहिए तो घटा के आधा कर दो। अगर आपको इसमें जो है इसमें पूछा भी इसमें किसका में पूछ रहा है ए की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो अगर छोटा पूछे तो जो क्या करोगे, घटा के आधा कर दोगे। भाई ए देखो छोटा ही है ना, इधर जो आता है वो छोटा, तो अगर ये चाहिए तो दोनों को क्या काम करो, घटा के आधा कर दो। तो यहां पे आप घटा के क्या करोगे, घटा के आधा करोगे, 42 में से 8 गए कितने बचा, 42 में से 8 गए आपके कितने बचेंगे, आपके बचेंगे 34, और घटा के डायरेक्ट आधा कर दो, 34 का आधा क्या होता है 17, 34 का आधा करोगे आपका 17, करेक्ट आंसर 17 दूनी 34, करेक्ट आंसर होगा ए। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा बी की एज कितनी होगी, तो बी आपका बड़े वाला है, बी आपका क्या है बड़े वाला, तो अगर बी की पूछता तो डायरेक्ट आप क्या काम करते, जोड़ के आधा कर देते, तो 8 प्लस 42 बटे 2 कर देते। चले जी जोड़ के आधा करोगे, 42 और 8 आपका 50, और 50 का आधा क्या होता है आपका हाफ होता है 25। तो याद रखना यह कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुश्किल से जो है 5 से 10 सेकंड में दे दोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा इसका करेक्ट, समझ में आया।
एक बार सारे के सारे थम्स का सिंबल देके मुझे बताओ क्लियर है। जब भी दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दो तो आपको करना क्या, बड़ा चीज चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा और छोटी चाहिए तो दोनों को घटा के आधा। चला जी क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी कंसेप्ट पे है, थोड़ा ध्यान से देखो और बनाओ, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन में करते चले जाओ। इसने कहा एक्स वाई से 5 साल बड़ा है, आगे कहा एक्स और वाई की वर्तमान आयु का जोड़ 33 साल है, आगे कहा वाई की उम्र आपको बतानी 7 साल बाद कितनी होगी। सबसे पहले इसने कहा एक्स जो है वाई से 5 साल बड़ा है, अगर एक्स बड़ा है किससे वाई से तो एक्स बड़ा है वाई छोटा है, और 5 साल बड़ा है इसका मतलब दोनों में अंतर कितने का 5 का, तो एक्स बड़ा जो बड़ा होगा वो पहले और जो छोटा होगा बाद में, तो इनमें आपका जो है इन दोनों की एज में कितने का अंतर है 5 साल का। ठीक है आगे क्या कहा है, एक्स प्लस वाई क्या है, एक्स प्लस वाई आपका दिया है आपका 33, आगे आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है वाई की जो है आपको ये बताना वाई की एज जो है 7 साल बाद कितनी होगी। बस सबसे पहले हमें वाई की आज की तो पता होनी चाहिए, जब तो आप 7 साल बाद जाओगे, भाई पहले आपको जो है आज की एज वाई की पता होनी चाहिए तभी तो 7 साल बाद जाओगे वाई पे। तो आप जो है सबसे पहले क्या कर लो, वाई की आज की एज निकाल लो, वाई की आज की एज निकाल लो। उसी कंसेप्ट पे है, मैंने बताया था अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया है तो अगर छोटा नंबर चाहिए तो घटा के आधा, बड़ा चाहिए तो जोड़ के आधा। वाई की वैल्यू चाहिए हमें, वाई देखो इधर है छोटा है तो क्या करोगे घटा के आधा कर दो, घटाओगे 33 में से 5 गया आपका क्या बचा 28, और 28 का क्या कर दोगे जो भी घटा के आया उसका आधा कर दो। आपको पता है यहां से देखो 2 एकम 2, 2 आपका 2 चौक 8, तो वाई की आज के टाइम की एज जो है वाई की उम्र आज के टाइम कितनी है 14 है, लेकिन वाई की उम्र 7 साल बाद पूछी है, आज की से आप कहां जाओगे 7 साल बाद जाओगे, तो यहां से इसमें क्या करोगे आज जो है वाई की 14 तो इसमें 7 जोड़ोगे तो आगे जाओगे 7 जोड़ोगे 14 और 7 क्या होगा 21, तो 7 साल बाद वाई की एज होगी वो 21 होगी। करेक्ट आंसर क्या है दूसरे का डी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलें जी आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा अनुज के दादा की आयु, अनुज के जो दादा की एज है वो अनुज की आयु का 4 गुना, बहुत अच्छी बात है। चले आगे इसने क्या कहा, अनुज की दादी उसके दादा से 5 वर्ष छोटी है, अनुज की दादी और दादा की आयु का योग जो है 107 है, अनुज की आयु क्या है, अनुज की एज आपको बतानी क्या होगी। देखो सबसे पहले मैंने बताया अगर ये क्वेश्चन करना है इसका मतलब ये मैथ ही है, अगर मैथ करना है तो उसकी भाषा लैंग्वेज समझो। देखो इसने पूछा अनुज की उम्र क्या है, तो आप अनुज की उम्र कैसे निकाल सकते, अनुज का संबंध देखो किसके साथ दिया है, भाई अनुज का संबंध जो है ये कहा था पहली लाइन में कि अनुज के दादा की आयु जो है वो अनुज की आयु का 4 गुना है, तो अनुज का संबंध किससे है, आपका रिलेशन है दादा से। अगर मुझे क्वेश्चन में दादा की एज मिल जाए तो उस वाले रिलेशन से मैं उस वाले संबंध से मैं अनुज का भाई दादा से मैं अनुज तक पहुंच जाऊंगा। तो हमारा मेन क्वेश्चन पढ़ने के बाद यह होना चाहिए आप पहले रिलेशन देखो अनुज का किससे है, तो आपने देखा दादा से है तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए पहले दादा की एज निकाल लो। अब दादा की एज निकालने के लिए दादा और दादी का रिलेशन दिया है तो सबसे पहले दादा और दादी जी की बात कर लेते हैं। इसने क्या कहा था, इसने दूसरी लाइन में कहा ध्यान से पढ़ो अनुज की दादी उसके दादा से 5 साल छोटी है, भाई दादी क्या है दादाजी से 5 साल छोटी है, इस लाइन का मतलब दादाजी और दादी जी की जो एज है उनमें गैप कितने का है, उनमें गैप जो है अंतर जो है 5 का है। तो मान लिया यहां पर हमने लिया दादाजी बड़े हैं तो जो बड़े होगा वो पहले, दादाजी और आपकी क्या है दादी जी छोटी है, दादी जी जो छोटी होंगी बाद में, इनकी जो उम्र में एज में अंतर है कितने का है, वो एज में अंतर है भैया आपका 5 का, कितने का 5 का। अगली लाइन में कहा कि अनुज के दादी और दादा की आयु का योग कितना 107, भाई दादा और दादी की अगर एज जोड़ दी जाए दादा प्लस आपकी क्या है आपके, एक सेकंड, यहां पे आपका दादा प्लस दादी की एज अगर आप जोड़ दोगे तो आपकी कितनी हो जाती है दादी प्लस दादी की एज जो है, दादा और दादी की एज जो है हो जाती है 107। अब आपको बतानी थी अनुज, भाई अनुज का हमने रिलेशन देखा दादा से तो हमारा मेन टारगेट दादा की एज निकालना है पहले, तो यहां से दादा की एज निकाल लो। क्या आपके जो पीछे के 2 क्वेश्चन कराए हैं वही कंसेप्ट के क्वेश्चन नहीं है क्या,
मैंने आपको बताया था जब भी आपकी दो चीजों का योग सम दे और दो चीजों का अंतर डिफरेंस दे तो बड़ा वाला चाहिए तो जोड़ के आधा, छोटा चाहिए तो घटा के आधा। सिंपल, ये आपको दादा चाहिए तो यहां शुरू में जो होता है वो बड़े वाला होता है, तो दादा की चाहिए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। चलो जी, दोनों को जोड़ोगे तो दादाजी की जो एज है, दादाजी की एज जो है वो क्या आ जाएगी, दोनों को जोड़ो, 107 में 5 जोड़ा 112, जोड़ने के बाद 112 आपको मिला, क्या बोलना, आपको 112 मिला। अब इसका आधा कर दोगे तो दादाजी की हो जाएगी, देखो 2 से काटा, 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 1 इधर जाके 12 हुआ और 2 छक्का क्या हुआ 12, तो यहां से हमारी दादाजी की एज कितनी आ गई 56। अब देखो जैसी दादाजी की आ गई ऐसी अब आप अनुज की निकाल सकते, कैसे मेरे छोटे भाई अनु, आपको देखो क्या पहली लाइन में क्या कांसेप्ट था, पहले लाइन में कहा था अनुज के दादाजी की जो एज है, भाई अनुज के जो दादाजी हैं उनकी जो उम्र है वो अनुज के कितनी है, अनुज की 4 गुनी है, भाई दादाजी की उम्र अनुज से कितनी है 4 गुनी, 4 टाइम, तो अनुज की कितनी है 4 गुनी, यही तो कह रहा था पहली वाली लाइन में, यही कहा ना। तो देखो दादाजी की अभी हमने निकाली क्या 56 इजिकल टू आपका अनुज गेरा और गुना आपका 4। जब भी दो नंबर में आपका बीच में बराबर का निशान हो और दो नंबर में बराबर का निशान 4 और 56 में, तो याद रखना ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर से नीचे वाला नंबर कटता है आपका। 4 से आपने ये काटा, 14 चौका आपका 56 होता है। भैया आपका यहां पे क्या है, अनुज की जो एज आ गई है, अनुज की इधर लिख देता हूं मैं, अनुज की एज यहां लिख देता हूं, अनुज की एज आपकी क्या होगी 14 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तीसरे का करेक्ट आंसर बी होगा। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस आप इसकी लैंग्वेज पकड़ लो तो क्वेश्चन इजी होते हैं बहुत। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताओ क्या होगा, ध्यान से पढ़ना ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से इसकी बात पढ़ो और बनाओ इसे। इसने कहा ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। अगर देखा जाए, इसने कहा ए की एज जो है, ए की एज और बी की एज करंट टाइम पे अगर आज के टाइम देखा जाए तो इनका अनुपात कितना है 4:3, तो ये 4:3 रेशो है। रेशो का मतलब ये है, ये कहना चाह रहा है ए की एज तो है 4 और बी की एज है हमारे अकॉर्डिंग 3। आगे क्या, आज की बात हुई है। इसने कहा 6 साल बाद की अगर इसने बात की है, 6 साल बाद जो है आपका ए कितने साल का है 26 साल का। भाई 6 साल बाद ए 26 साल का है तो आपको बताना है बी की वर्तमान आयु क्या है, बी की वर्तमान एज क्या है। आप मुझे बताओ ए और बी का जो आज के टाइम का अनुपात है रेशो 4:3 है, या हम अपने अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं एक आज के टाइम ए की जो एज है वो 4 है और इसने ए की एज दी है 6 साल बाद, 6 साल बाद कितनी है 26। अगर मैं यहां से आज की एज पे आ जाऊं, मेरे पास आज की एज है रेशो में, और अगर मुझे रियल एज मिल जाए उसकी आज की, तो मेरा काम बन जाएगा और आपका जो है ना मेरा काम बन जाएगा आपका नाम उठ गया, आपका काम बन जाएगा और मेरा नाम हो जाएगा जब आप जो है सिलेक्शन ले लोगे, स्टार लग जाएंगे जो वर्दी पे आपके। तो यहां से अगर मैं यहां पे इसने कहा ए 26 साल का हो जाता है 6 साल बाद, तो आपकी अगर मैं इसमें 6 घटा दूं तो आज की उम्र आ जाएगी ए की 26 में से 6 गए 20। भाई 6 साल बाद अगर कोई चीज 26 का है तो आज कितने का होगा, आज 20 का होगा। सिंपल, अगर मैं देखूं मेरे अकॉर्डिंग ए की आज के टाइम की एज मेरे अकॉर्डिंग तो है 4 और उसके अकॉर्डिंग कितने है, उसके अकॉर्डिंग 20, एक मेरा 4 उसके 20 के बराबर है, एक निकाल लो ये ऊपर इधर जाके नीचे आएगा, 4 से काटा 4 5 20, एक की वैल्यू आ गई 5। अब किसकी बतानी है आपको, बी की बतानी वर्तमान, बी की हमने क्या मानी हुई थी, बी की हमने 3, तो 3 बराबर बताना है, तो 3 आप 3 की वैल्यू निकाल लो, बी की मान निकाल लो क्या होगा, जो 1 की वैल्यू आती है उसी से गुणा कर दे, तो 1 बराबर 5, तो 3 बराबर 5 गुणा 3, पांतिया क्या हुआ आपका 15, पांतिया क्या हुआ आपका 15। जिनका आंसर 15 आ रहा है वो सारे करेक्ट हो ऑप्शन नंबर डी, चौथे का करेक्ट आंसर क्या होगा डी, बस लैंग्वेज समझो और क्वेश्चन को बना दो। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। इसने कहा 5 साल पहले रवि और मोहन की आयु का जो अनुपात है वो 4:7 है। भाई 5 साल पहले की बात करी इसने सबसे पहले, और आगे कहा अगर उनकी वर्तमान आयु का योग 76 साल है। भाई अगर आज के टाइम दोनों की एज को हम जोड़ के देखें तो कितना बैटरी है 76 बैटरी है। आपसे पूछा तो वर्तमान में करंट टाइम में रवि की उम्र क्या होगी, सबसे पहले जो दिया उसकी बात करते हैं। इसने कहा 5 साल पहले
5 साल पहले एक कोना रवि है और एक मोहन है भाई। यहाँ पे एक 5 साल पहले की बात हुई है, रवि और मोहन की जो एज का अनुपात है, रेशो है, वो कितना है? 4 और 7। यहाँ पे कितना है? 4-7। यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, 5 साल पहले रवि की एज 4 और मोहन की 7। अब इसने आगे जाके क्या जिक्र किया है आपसे क्वेश्चन में, बताया ये है इसने कि वर्तमान में अगर दोनों की उम्र जोड़ दी जाए तो 76। जैसे ही करेगा ना, ऐसी हमें अपने क्वेश्चन में करना है। इसने दोनों की उम्र जोड़ी थी तो हम भी अपने जो ना, जो हमारे अकॉर्डिंग एज है, जब इसने यहां पे जोड़ा तो हम भी अपने अकॉर्डिंग जो हमने निकाली है रेशो से, हम भी अपने अकॉर्डिंग जोड़ के देखते हैं हमारे अकॉर्डिंग कितनी होगी। भाई हमारे अकॉर्डिंग रवि की 4 है और मोहन की 7 है। जैसे इसने योग बताया हम भी योग बताते भैया, जैसे ये करेगा उसी की कॉपी करेंगे हम भी। तो 7 और 4 क्या हुआ आपका? 7 और 4 हमारे अकॉर्डिंग 11 है, लेकिन जो ये एज है रवि और मोहन की 11 जो हमने जोड़ी, ये कितने साल पहले? 5 साल पहले की बात हुई है। लेकिन ये जो 76 है ये कितने के बाद की बात हुई है? ये आज की बात हो रही है भाई, ये आज की बात हो रही है। अगर मैं इस वाली एज को 5 साल पहले वाली पे ले जाऊं, अगर मैं आपसे पूछूं आज के टाइम दोनों की जो एज का योग है वो 76 है, तो 5 साल पहले कितना होगा? तो 76 में से आप जो है 5 साल पीछे अगर जा रहे हो तो 76 में से 5 तो आप रवि की कम कर दोगे, 5 तो रवि की कम करोगे और 5 ही मोहन की, क्योंकि दोनों पीछे जा रहे हैं। तो कुल मिला के 76 में से क्या करोगे? 76 में से आप 5 और 5 10 कम करोगे तो आपका क्या है? 66। तो अगर मैं आपके इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग रवि की 5 साल पहले दोनों की उम्रों का योग क्या था? 66। मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज 11 है और इसके अकॉर्डिंग वो चीज कितनी है? इसके अकॉर्डिंग वो चीज है 66। मेरा 11 इसके 66 के बराबर है, एक बराबर ये ऊपर इधर जाके नीचे, 11 छिंग आपका क्या होता है? 66। एक बराबर आपका क्या चुका? 6। अब आपसे पूछा यह है कि रवि की वर्तमान उम्र, भाई पहले रवि की जो है 5 साल पहले की निकाल लो तभी तो वर्तमान पे जाओगे। रवि की अगर देखा जाए आपकी जो है 5 साल पहले कितनी थी भैया? आपका 4। तो यहां से 4 की वैल्यू निकालो, 4 बराबर आपका रवि की जो है आपकी आ जाएगी। 4 बराबर निकालो तो 1 की जो वैल्यू आती है 6 गुना, 6 गुना 4 आपका क्या हुआ? 24। भैया ये जो रवि की आई, ये जो एज आई है, ये रवि की 5 साल पहले की एज है 24। तो आपको रवि की आज की अगर बतानी है तो आज की एज पे जाने तो भैया आपको 5 साल आगे जाना पड़ेगा, 5 और जोड़ दो 24 और 5 क्या हुआ? 29। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पे 29 होगा। जैसे लैंग्वेज कहे, जैसे क्वेश्चन में कहे, वैसे क्वेश्चन में बनाते चलते चले। आगे मैं बात करूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेके आई क्रैश कोर्स और इसमें ऑफर चल रहा है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको कहां मिल रहा है? ये वाला बैच आपको ऑफर में मिल रहा है मात्र ₹250 में। करना क्या है? एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। चले क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप मुझे बताएं क्या होगा। इसने कहा एक पिता की आयु और उसके पिता उसके बेटी की आयु का योग अनुपात जो है वो 7:3 है। चलो जी आगे कहा, उन दोनों की आयु का गुणनफल, अगर उन दोनों की एज को अगर आप गुणा कर दिया जाए तो क्या होता है? 756 होता है। आगे क्या कहा, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 6 साल बाद उनकी एज का रेशो क्या होगा? सबसे पहले दोनों की एज का रेशो पूछा है तो इसका मतलब हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए पिताजी और बेटे की सबसे पहले जो है एज निकाल लो आज की। आज से तो आप 6 साल बाद जाओगे, सबसे पहले पिताजी और बेटे की आज की एज निकाल लो, उसके बाद ही तो आप 6 साल बाद जाओगे। 6 साल बाद की निकाल लो और फिर दोनों में जो 6 साल बाद दोनों की अलग अलग हो उनमें अनुपात, उनमें रेशो बता दो। चलो सबसे पहले मेन टारगेट ये होना चाहिए कि पिताजी की और जो है बेटा जो है उनकी एज निकाल लो। सबसे पहले जैसे इसने कहा वैसे चलते हैं। इसने कहा फादर साहब है और उनका एक बेटा है, फादर साहब ये है और इनका एक क्या बेटा, एफ फॉर फादर एस फॉर सन, सन माने मतलब बेटा। यहां पे इनका अनुपात क्या है? 7:3। चलिए 7:3, कभी भी आप जब भी गुणनफल कहे ना गुणा तो आप ऐसे मत कर देना सर अभी आपने बताया जैसे ये कह रहा है वैसे करेंगे, तो हम भी जैसे इसने कहा गुणा करी तो हम भी गुणनफल मतलब कि आपका जो है गुणा निकालते हैं। 7 से 21 और 21 बराबर सर यहां पे हमने कर दिया आपका 5, 3, 6। आप यहां पे कर तो सकते हो लेकिन यहां पे स्क्वायर वाला लॉजिक बनेगा। क्यों बनेगा भाई? यहां पे आप देखो गुणा में आप चीजों को कर तो लेते हो, आप इसे काटोगे, इसके नीचे चला जाएगा 21, आप इसे भाग करोगे 21 दुनी
42 21 तिया 63 कितना हुआ 21 तिया आपका क्या हुआ 63 हुआ। अब 75 में से 63 गया कितना बचा आपका कितना बच गया आप मुझे बताओ 75 में से 63 गया 7 और 5 12 126 और 21 छक्के आपका क्या है 21 छक्का 126 होता है तो यहां पे 36 आया मतलब यहां पे आपका एक की वैल्यू क्या है 36। लेकिन ये रूट में लेनी पड़ेगी क्यों रूट में लेनी पड़ेगी क्योंकि आप गुणनखंड में आप देखो आप इसको मानते हो क्या मानोगे 7x मान लो और इसको मान लो आप यहां पे 3x हमने माना ये 7x है ये 3x अब जब इनकी गुणा करोगे 7 या 21 तो मेरे बिल्कुल बनेगा लेकिन गुणा में आपकी पावर या घात आपकी जुड़ जाते हैं जिसपे कोई पावर या घात ना उसकी घात 1 तो 1 इसकी घात 1 इसकी पावर तो दोनों जुड़ेंगी 1 और 1 क्या होगा आपका 2 21 एक्स स्क्वायर होगा तो यहां पे आप क्या काम करोगे जो एक की वैल्यू आई ये आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू है मेरे भाई ये एक की मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है तो एक बराबर क्या है 36। अब आपको एक की वैल्यू अगर रियल वाली चाहिए स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दोगे अंडर रूट तो आप देखो 36 जिसका आपका जो है 36 जो है किसका स्क्वायर होता है तो ये आपका जो है ये एक बराबर 36 मत मान लेना मेरे भाई आप इसका वर्गमूल निकालोगे तब एक की वैल्यू आएगी क्योंकि ये कंसेप्ट ये वाला है तो यहां से आप देखो एक बराबर क्या आ गया या आप बोलोगे एक्स बराबर क्या आया आप कहोगे सर जी 6 अब यहां पे 6 आ गया तो इसका मतलब क्या है एक बराबर अगर 6 है तो आपको है एक्स बराबर 6 है तो यहां से बेटा और जो है आपके फादर साहब की एज निकाल लो फादर साहब की हमने मानी थी 7x या 7x मानी थी बेटे की कितनी मानी थी संत की हमने जो मानी थी वो मानी थी आपकी 3x एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके कितनी 6 तो यहां पे एक्स की जगह 6 रखोगे तो क्या आएगा 7 जब दो नंबर मिल रहे हो ना उनके बीच में गुणा का निशान 7 छिंग आपका क्या हुआ 42 ये हुई फादर साहब की एज। चलो जी सन की एज अगर मैं देखूं यहां पे 3x की वैल्यू या 1 का मान 6 छत्तिया क्या हुआ 18 तो यहां पे 42 और 18 अब इसने पूछा ये था 6 साल बाद आपको बताना इनका अनुपात भाई इसमें 6 साल और जोड़ दो इसने कहा 6 साल बाद तो यहां पे 6 साल और जोड़े तो 42 और 6 क्या हुआ 50 इसमें भी 6 साल जोड़े तो 48 इसमें भी 6 साल एक सेकंड बेटे वाले में भी 6 साल जोड़ दो तो 6 साल जोड़ो आपका 18 6 24 तो इसकी जो है 6 साल बाद फादर साहब की 50 और इसकी 24 अब अगर दोनों नंबर एक ही नंबर से कट रहे हो ना तो मेरे भाई काट लिया करो जैसे आपका ये क्या कटेगा आपका जो है यहां से जो है 6 है ना 7 छिंग 42 और 36 18 42 सॉरी 42 में 6 जोड़ूंगा ना अर्थ एक सेकंड मेरे भाई मैंने थोड़ा गलत लिख दिया आपका एक सेकंड मैं भी तो देखो आंसर क्यों नहीं आ रहा यहां पे जो है ना यहां पे क्या आएगा यहां पे आपका 42 और 6 क्या हुआ आपका 48 हुआ। अब दोनों अगर दोनों नंबर एक ही नंबर से कट रहे हो काट लो 24 से कम 24 24 दूनी 48 तो यहां पे क्या आया 2:1 तो इनके भी जो रेशो बना आपका बना 2:1 का तो 6 साल बाद फादर साहब और उनके बेटे के भी जो अनुपात होगा कितने होगा 2:1 का करेक्ट आंसर छठे का क्या हो गया आपका ए छठे का करेक्ट आंसर ए होगा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा इसने कहा गोपाल की आयु एक संख्या का घन है भाई अगर आज के टाइम देखा जाए गोपाल की आयु किसी ना किसी नंबर का घन है। चलो जी आगे इसने कहा यह 2 साल पहले एक नंबर का वर्ग थी 2 साल पहले की अगर मैं उसकी एज देखूं तो वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर थी आगे क्या कहा उसने पूछा उसकी उम्र क्या है भाई आपको बताना है गोपाल की एज क्या है देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई आपके ऑप्शन से ऑप्शन पकड़ो और क्वेश्चन को ऐसे बना दो। चलो जी ऑप्शन जैसे जैसे ये कह रहा है ना इसकी लैंग्वेज दो मेन है अगर मैथ सीखना है तो लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा मेरे छोटे भाई बहनों। इसने कहा आज के टाइम अगर देखा जाए गोपाल की आयु एक संख्या का घन है इन ऑप्शन में से मुझे ये बताओ कौन सा नंबर क्यूब है आप देखो आप क्या नो मेरे भाई स्क्वायर होता है क्यूब नहीं होता 62 किसी का आपका क्यूब नहीं है 27 हां जी बिल्कुल जी 27 जो है 3 का क्यूब आपका 27 होता है बिल्कुल होता है जी। अब आपका 64 हां जी 4 का क्यूब आपका 64 होता है तो इसमें सिर्फ जो क्यूब वाले नंबर है वो या तो 27 है या 64 है। अब इसने या तो आंसर सी होगा या आपका डी होगा। अब दूसरे वाली जो इसने कंडीशन दी है वो कंडीशन चेक करते हैं इसने कहा यदि 2 साल पहले वह नंबर जो 2 साल पहले उसकी एज थी वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए अगर आज इसकी जो है एज मान लीजिए 27 तो 2 साल पहले कितनी हुई होगी भाई अगर गोपाल की आज 27 है 2 साल पहले कितनी थी तो 27 में से 2 कम करोगे 25 और 25 आपका मेरे भाई आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों 25 5 का स्क्वायर होता है बिल्कुल जी 2 साल पहले जो इसकी उम्र थी 25 वो 5 का स्क्वायर है। दोनों कंडीशन आपकी यहां पे सही लगती हुई नजर आई जब दोनों सही होंगी तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विदाउट कॉपी पेन बन जाए
जाता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, इसका आंसर क्या होगा। इसने कहा आपका चार व्यक्तियों की कुल आयु 86 वर्ष है। अगर देखा जाए चार व्यक्ति की टोटल एज कितनी है, आपकी 86 वर्ष है। आपसे यह कह रहा है कि चार साल पहले उनकी औसत उम्र क्या थी, चार साल पहले उनकी औसत उम्र क्या थी यह पूछा। तो सबसे इजी अच्छा तरीका है, सबसे पहले इसने पूछा क्या, चार साल पहले उसकी एवरेज आपकी जो है, एवरेज आपको बताना है किसका, एज का, औसत उम्र क्या थी चार साल पहले। सबसे पहले आप एक काम करो, आज के टाइम का औसत निकाल लो। औसत बराबर आपको बताया, औसत बराबर क्या होता है, औसत या एवरेज बराबर क्या है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। औसत बराबर आपका क्या, इधर लिख देता हूं एक सेकंड मेरे भाई। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर पदों का योग। औसत बराबर आपका क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग, पदों का योग अपोन आपका क्या है, अपोन आपका कुल संख्या। औसत बराबर पदों का योग अपोन कुल संख्या, ठीक है। ये आपका जो है औसत का, औसत का फॉर्मूला होता है। इंग्लिश मीडियम वालों आप ध्यान रख लो, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर अपोन टोटल नंबर। सबसे पहले इसने कहा कि चार साल पहले औसत कितना था, औसत उम्र, तो आज के टाइम की एवरेज निकालो। हमारा मेन टारगेट है, हम आज जो कहेगा ना उसी पे बात करेंगे। आज के टाइम के अगर मैं निकालूं, एवरेज बराबर क्या होगा, पदों का योग। योग क्या दिया भैया, यहां पे इसने कहा चार व्यक्तियों का कुल आयु, दोनों चारों व्यक्ति की एज को जोड़ दिया जाए कितना, 86, तो यहां पे हुआ 86। और अपोन क्या होता है, कुल संख्या, कितने व्यक्ति थे, चार, तो यहां पे चार। अब यहां से निकालते हैं भैया, आप जो है यहां से भाग करोगे, 86 कुछ काटो मेरे, चार से काटा, चार दुनी क्या हुआ, 8। चलो जी आगे क्या होता है, 6, चार का पहाड़ा पढ़ो, चार एकम चार, 6 में से चार गए 2, पहाड़ा नहीं चलेगा पॉइंट लगाओगे, पहाड़ा नहीं चलेगा पॉइंट लगाओगे, उतारोगे आप 0, तो 2 के साथ 0 आपका 20 बना, और 4 पंजे 20। तो आज के टाइम अगर मैं देखा जाए, आज के टाइम जो आपका जो है, आज के टाइम आपका, एक सेकंड मेरे भाई, आज के टाइम जो औसत है वो कितना आया, आज के टाइम का औसत आया 21.5। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा चार साल पहले, भैया चार साल पहले की बात होगी, अगर जो है बाद की बात होती है तो हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, अगर पहले की बात हो हम चीजों को पीछे करते हैं, मतलब कि घटाते हैं। बाद की बात हुई है तो डायरेक्ट जो आज का औसत है ना, इसने जितने साल पहले का पूछा डायरेक्ट घटा दो। आप इसमें से क्या कम कर दो, चार कम कर दो भैया, चार डायरेक्ट कम कर दो, पॉइंट से पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए जोड़ना या प्लस माइनस करने के टाइम, और जिसमें आपका पॉइंट के बाद जीरो नहीं तो अपने पास से चार में जीरो। चार जो उम्र दिए, चार साल पहले पूछा, चार घटा दो, पांच ये रहा, और 21 में से चार गया, क्या बचा, 17। तो ये आपका जो है मेरे छोटे भाई बहनों, चार साल पहले जो औसत होगा 17.5 होगा, कुछ नहीं, ऐसे लगाओगे क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर जिनका सी है वो सारे सी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप मुझे बताएं, इसका आंसर क्या है। इसने कहा चार भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर चार भाइयों की एज, देखो एज वाला एवरेज वाला है, चार भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर उनके पिता को शामिल कर लिया जाए तो आपका औसत जो है 5 साल बढ़ जाता है। पिता की एज आपको मुझे बतानी है, पिता की एज क्या होगी, पिता की एज क्या होगी। सबसे पहले देखो आपका, जब भी देखो यहां से मैंने आपका औसत का फॉर्मूला बताया, यहां से औसत का फॉर्मूला मैंने लिखा, अगर मुझे योग बराबर चाहिए, अगर मुझे सम चाहिए, तो योग बराबर क्या हो सकता है, योग बराबर आपका योग का फॉर्मूला यहां से आपका जनरेट हो सकता है मेरे भाई। देखो जिसकी जो चीज चाहिए वो एक तरफ, बाकी सारी एक चीज एक तरफ, आपको योग का फॉर्मूला चाहिए ना, सम, टोटल चीजों का सम चाहिए, तो ये वाला आप उठा के इधर ले जाओ, ये नीचे है, इधर जाके ऊपर जाएगा गुणा में, तो योग बराबर आपका फॉर्मूला बन जाएगा आपका औसत गुणा, औसत यहां नीचे क्या, कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या। योग बराबर आपका क्या होता है, औसत गुणा कुल संख्या, बस यही फॉर्मूला आगे जो है आपको लगाना है जो जनरेट किया है। चलो जी आगे, अगर मैं बात करूं, इसने कहा चार भाइयों की आपकी औसत आयु कितनी है, 15। भैया चार भाइयों का अगर योग निकालूं मैं, चार भाइयों की औसत आयु का योग, चार भाई का योग, चार भाइयों का योग, भाई जो उनकी टोटल एज, चारों की एज को अगर मैं जोड़ दूं कितना होगा, योग बराबर अभी हमने क्या निकाला था, औसत गुणा कुल संख्या, औसत कितना था 15, और कुल संख्या कितने भाई है, चार, तो चारों भाई की जो एज का योग आएगा, चारों भाई की एज का योग कितना गया, 15 चौका 60, चारों को भाई की एज को हम जोड़ ले। आगे क्या कहा, आगे इसने ये कहा कि अगर पिताजी को और शामिल कर लिया जाए, मतलब कि एक तो फादर साहब है, फादर प्लस चार जो है वे है भाई, अगर इन सारों की एज को मैं जोड़ू तो कितनी होनी चाहिए,
चाहिए। देखो औसत गुणा कुल संख्या, औसत क्या है, पहले से तीन पांच बढ़ जाता है, पहले औसत 15 था तो भैया आगे आपका पांच और बढ़ गया तो नया वाला एवरेज क्या बना आपका 20। तो औसत गुणा कुल संख्या, औसत क्या हुआ 20 हो गया, और कुल संख्या टोटल व्यक्ति कितने हो गए 4 और 1, आपके क्या हुए 4 और 1 5। कुल भैया 4 भाई थे 1 पिताजी, तो 4 और 1 क्या हुआ 5, तो 20 पंजे क्या हुआ 100। यहां पर यह जो योग है यह आपके चारों भाइयों की एज का आपका जो है जोड़ है, और यह जो जोड़ है यह पिताजी और भाइयों का, जो 4 भाई है मतलब 5 व्यक्तियों की एज का जोड़ है। तो पिताजी का जोड़ चाहिए तो बड़े वाले में से छोटा घटा लो भैया, ये जो आपका यहां पे जो है ये वाला घटा लो, 4 भाई इसमें से घटा लो तो आपके पिताजी का आ जाएगा, आपका 100 में से 60 गया क्या बचा 40, 100 में से 60 गया 40, जिनका आंसर 40 आ रहा है वो सारे सही हो ऑप्शन नंबर ए। चलो जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, इसका आंसर आप मुझे बताओ 10 का आंसर क्या होगा। अब देखो अलग लॉजिक का क्वेश्चन है और यही ज्यादातर आते हैं जो अब मैं कराने वाला हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना सारे के सारे। इसने कहा रीना सुनीता से आयु में दुगनी बड़ी है, रीना जो है वो सुनीता से दुगनी बड़ी है। आगे कह रहा है 3 साल पहले वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी, अब आपसे पूछा है अब रीना कितने साल की है, अब रीना कितने साल की है। अब जब भी ये देखो ये है मेन क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो एक तो जिक्र हुआ है आज का, एक जिक्र हुआ है आपका क्वेश्चन में आज का, एक 3 साल पहले। आप मुझे बताओ आज पहले आता है या आपका जो बीत चुका वो पहले आया होगा, आपके को सर जो है ना निखिल भैया जो बीत चुका वो पहले आया होगा, तो जो पहले आ चुका सबसे पहले उसकी बात करेंगे आप और हम मिलके। इसने क्या कहा, इसने कहा था 3 साल पहले, इसने कहा 3 साल पहले की इसने बात करी 3 साल पहले, भैया 3 साल पहले इसका मतलब पीछे जा रहे माइनस, 3 साल पहले, 3 साल पहले की इसने बात करी और बात करने के बाद इसने हमें क्या बताया, इसने बताया था कि आपका एक रीना एक सुनीता है, 3 साल पहले जो सुनीता से 3 गुना बड़ी है, कौन बड़ी है सुनीता से बड़ी है आपकी रीना, इस लाइन से पूरा वाला कनेक्ट रीना से, भाई 3 साल पहले अगर हम देखें तो रीना जो है वो सुनीता से 3 साल बड़ी है, भाई रीना है और एक आपकी क्या है सुनीता, रीना जो है सुनीता से कितनी बड़ी है 3 साल बड़ी है, भाई सुनीता अगर मैं मान लूं 1 की है, सुनीता मैंने मान ली 1 की है तो रीना कितने की है, रीना है 3 की, भाई रीना उससे कितनी बड़ी है सुनीता से 3 साल। अगर मैं आज की बात करूं टुडे की, अगर मैं आपकी जो है आज की बात करूं, आज में क्या कहा था, आज वाली बात पे चलते हैं, आज वाली पे, आज जो है एक रीना है और एक सुनीता है और इनकी आज की अगर मैं बात पे चलूं, आज वाले में कहा था रीना सुनीता से दुगनी बड़ी है, भाई अगर सुनीता से दुगनी है रीना, अगर सुनीता मैंने मान ली 1 है तो रीना कितनी है, रीना 2 है, रीना 2 है। अब यहां से आपसे पूछा रीना कितने साल की है, तो सबसे पहले जब भी ये कंसेप्ट बने आप दोनों जो रेशो है ना उनमें अंतर देखो, यहां से आप जो है 3 साल पहले से आज पे आओ, अगर रीना की 3 साल पहले 3 है और आज 2 है तो कितनी कम होगी भैया, 1 कम हो रही है, 1 का गैप है, 1 से आप 1 पे आए दूसरे में देखो सुनीता की एज पहले भी 1 थी आज भी 1 है तो यहां से गैप कितना निकलेगा, 1 से 1 पे 0 का गैप। मेरे ये जो गैप है ना ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है ना ये वाला गैप, ये वाला जो गैप है ये वाला गैप दोनों साइड का बराबर आना चाहिए तभी आपका जो है क्वेश्चन सोल्व होगा, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। अगर हमने यहां पर देखा दोनों साइड बराबर नहीं आया मेरे छोटे भाई बहनों, बराबर नहीं आया, अगर बराबर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन इजी बन जाता है, लेकिन अगर बराबर ना आए तो क्या करोगे, करना यह है अब हमें रेशो को बराबर करना, बराबर करने का तरीका एक अच्छा सा तरीका एक होता है, बराबर करने का तरीका होता है जितने ऊपर नंबर दिए हैं उनमें जितने का अंतर जितने का डिफरेंस हो उसकी गुणा नीचे, और नीचे जितने का अंतर जितने का डिफरेंस हो उसकी गुणा ऊपर, बस ये कर दो तो आपका क्या है आपको यहां पर क्या हो जाएगा, ये करोगे तो डिफरेंस बराबर आ जाएगा। अब देखो देखो नीचे कितने का अंतर है, 2 में से 1 गया तो कितने का अंतर हुआ 1, भाई नीचे जो है 1 का अंतर है, जो नीचे अंतर है उसकी गुणा ऊपर, और जो ऊपर वाले में अंतर है 3 और 1 में कितने का अंतर है, 3 में से 1 गया 2 तो ऊपर वाले में 2 का अंतर है, जितना ऊपर वाले में अंतर है उसकी गुणा नीचे में कर दो, तो यहां से आपका रेशो बन जाता है, यहां से नया रेशो जनरेट होगा, 1 की गुणा पूरे में करोगे तो यह आया 3:1 आपका 1, यहां पर 2 से गुणा करोगे 2 दूनी 4 और 1 एकम आपका क्या है 1। अब यहां से आपका क्या हुआ, अब यहां से देखो 3 से आप 4 पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो 1 आगे बढ़ रहे हो, 1 से आप 1 पे
सॉरी एक दुनी आपका दो होगा ना मेरे भाई, एक सेकंड, एक दुनी ये आपका क्या है, दो, एक दुनी आपका ये दो, देखो आप एक से दो पे गए, यहां भी एक बढ़ा, इसका मतलब अब यहां पे आपके गैप बराबर आ गए। जैसी गैप बराबर आएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई, जैसी गैप बराबर आएगा आपका क्वेश्चन बनेगा। अब यहां से देखो करना क्या है, आप देखो हमें अपने कोडिंग, अगर मैं अपने कोडिंग की बात करूं, मेरी एज 3 साल पहले 3 थी और आज 4 है, मैं 3 साल पहले से आज पे आने के लिए कितना आ गया है, 1। ऐसी जो है सुनीता की 3 साल पहले एज 1 थी, आज 2 है, सुनीता 3 साल पहले से आज पे आने के लिए कितनी बढ़ी, 1। मैं दोनों कंडीशन में 1 आगे बढ़ रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग मेरी एज तो 1 बढ़ी आगे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, यहां 3 साल पहले से अगर आप आज पे आओगे तो कितना आगे बढ़ोगे, आप कहोगे सर 3 साल पहले से अगर हमें आज पे आना तो हम बढ़ेंगे 3, हम कितना आगे बढ़ेंगे 3, तो मैं बढ़ रहा हूं 1 और ये बढ़ रहा है 3, तो 1 बराबर क्या हुआ 3। अब जब भी याद रखना, जब भी आप नया रेशो बनाते हो, जब भी नया रेशो बनेगा, पुराने वाले रेशो से हमें कुछ लेना देना नहीं होता, पुराने वाले रेशो से हमें कुछ लेना देना नहीं, अब हम बात करेंगे सिर्फ नए रेशो की, पुराने से कुछ लेना देना नहीं होगा। अब आपसे पूछा यह था अब रीना कितने साल की है, भाई करंट टाइम में रीना की एज बताओ, तो रीना का है करंट टाइम की एज है ये, और रीना का है ये, और रीना का वैल्यू क्या है, रीना की वैल्यू है 4, तो 4 का मान निकालना, 1 बराबर 3, तो 4 बराबर पूछा, 4 मतलब कि रीना की आज की एज, या आज की एज, नए वाला रेशो लेना, पुराना मत लेना, ठीक है। यहां से 1 की जो वैल्यू आई है उसमें गुणा कर दो 4 की, 3 चौका आपका क्या हुआ 12। रीना की वर्तमान आयु की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगी 12, ऑप्शन नंबर डी। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, और सबसे ज्यादा एज का आने वाला यही टाइप है मेरे भाई, सबसे ज्यादा एज का आने वाला यही टाइप है। चलो आगे भी और भी सीखते हैं, चलो क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे भाई आपके सामने, मेरे छोटे भाई बहनों इसका आंसर बताओ। इसने कहा आर और एस की वर्तमान उम्र कितने है, 11 और 17। आगे क्या कहा, अनुपात का अनुपात क्या है इनका, एज का अनुपात है 11 17। आगे कहा 11 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना था, 11 20 था। आपसे पूछा आर की वर्तमान उम्र क्या है, आर की करंट टाइम में एज कितनी है, ये आपसे पूछा है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करोगे, जो चीज पहले आती है वो निकालो। आपकी 11 साल पहले की बात हुई है, तो यहां से मैं बात करता हूं 11 साल पहले, मतलब कि आपका पीछे जा रहे हो 11 साल पहले की। इसने कहा 11 साल पहले देखा जाए तो क्या था, 11 साल पहले आर और एस की जो एज थी उनका अनुपात क्या था, 11 साल पहले आर और एस की जो एज थी उनका अनुपात था 11 अनुपात 20। यही तो कहा, जैसे पहले वाला बनाया ना सेम बनाओ। इसने भाई फिर बात करी वर्तमान की, मतलब कि आज की, यहां पे बात हुई वर्तमान मतलब कि टुडे, मतलब कि आपके जो है टुडे, आपकी आज की बात हुई। आज के टाइम अगर देखा जाए आर और एस का अनुपात क्या है, जैसे पिछला बनाया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बना दो। आज के टाइम जो अनुपात है वो है आपका जो है 11 और 17। अब यहां से करते क्या हो, करते ये रेशो बराबर होने चाहिए, गैप बराबर होने चाहिए। अगर मैं देखूं 11 से 11 पे आ रहे हो तो आपका क्या है 0 बढ़ रहे हो, 20 से 17 पे आ रहे हो 3 कम हो रहे हो मेरे भाई, आपका क्या ये गैप बराबर है, आप कहोगे नहीं। अगर गैप बराबर नहीं होता तो अभी मैंने क्या बताया, गैप बराबर करोगे आंसर आएगा तब। गैप बराबर करने का तरीका क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था नीचे जो नंबर है उनमें जितने का अंतर है उसकी गुणा ऊपर, तो 17 में से 11 गए कितने बचे आपके 6, नीचे कितने का अंतर है 6, तो 6 की गुणा कहां करोगे आप ऊपर करोगे। अब देखो आपका जो है गैप बराबर करना ये वाला, तो ऊपर जितने का अंतर है उसकी गुणा नीचे, 20 में से 11 गया क्या बचा 9, तो 9 की गुणा क्या होगी आपकी, 9 की गुणा होगी नीचे, 9 की गुणा हुई नीचे। अब यहां से आप इस 6 की पूरे सारे में गुणा करो, 11 छिंक आपका क्या हुआ 66, और 20 छिक्का क्या हुआ 20 छिक्का 120। आगे अब देखो 9 की सारे में करो, 11 नम आपका 99 हुआ और 17 निम्मा आपका क्या हुआ 153, 17 निम्मा 153। अब यहां से देखो क्या गैप बराबर आया नहीं आया, देखो 66 से 99 पे जा रहे हो, 66 से 99 पे जा रहे हो तो कितना बढ़ रहे हो 30 आगे बढ़ रहे हो मेरे भाई। यहां पे आप कितना, सॉरी यहां पे देखो कितना आगे बढ़े भाई, 66 से 99 पे गए तो आपका क्या है 33 आगे बढ़ रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो 33 आगे भाई, 66 में आपने 33 जोड़ोगे 6 3 9 और 6 3 आपका 9, और ऐसी में भाई दूसरे में देखो 120 से आप 153 जा रहे हो तो यहां भी आप 33 बढ़ रहे हो भाई, 120 में 33 जोड़ो कितने बनेंगे 3 3 और 2 5 और 1, बिल्कुल जी आपका 153। तो आपका दोनों साइड से क्या हुआ मेरे छोटे भाई बहनों, गैप बराबर हो गया, यही हमें चाहिए था। जैसे ही आपका नया गैप बनता है मैं पुराने से
कोई मतलब नहीं है। अगर हम देखें हमारे अकॉर्डिंग हम जो है हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से हम जो है 11 साल पहले से आज पे आने के लिए आगे 33 बढ़े, 11 साल से पहले से आज पे आने के लिए हम 33 बढ़ रहे हैं, तो मेरा 33 मैं तो आगे बढ़ रहा हूं 33, और ये रियल में कितना बढ़ रहा है, ये रियल में देखो 11 साल पहले से आज पे अगर ये आएगा तो आगे कितना चलेगा, 11 साल पहले से अगर ये आज पे आएगा मेरे छोटे भाई बहनों ये आगे कितना चलेगा, 11 चलेगा। तो मैं चल रहा हूं 33 और वो कितना चल रहा है, मैं 33 और वो चल रहा है 11, तो मेरा 33 उसके 11 के बराबर है, एक बराबर निकाल लो, एक बराबर क्या होगा, तो ये जो नंबर होता है नीचे आ जाएगा आपका जो है ये 33 यहां पे हुआ, एक बराबर आपका आया ये। अब पूछा ये था कि आपका आर की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो देखो जब भी नया रेशो बनता है पुराने वाले रेशो से हमें कोई मतलब नहीं, पुराने वाले रेशो ये हमारे किसी काम के नहीं है, किसी नए वाले में आर की वर्तमान, आर की वर्तमान पूछी ये रहा आज भैया, ये रहा आर मतलब कि 99 पूछा। अगर देखो यहां पर लिख देता हूं एक बराबर क्या आया आपका 11/33 आया, तो इसका मतलब आपसे पूछना 99 बराबर, 99 किसकी है, आर की 99 है, तो 99 बराबर पूछा, जो एक की वैल्यू है उससे गुणा कर दो, 11 आपका ये रहा और 33 ये रहा और गुणा आपका 99, आपको पता है 33 तिया क्या होता है आपका 99 और 11 तिया आपका क्या है, 11 तिया 33, तो आर की जो एज है वो एज आपकी होगी 33, आर की जो एज है वो होगी 33, ऑप्शन नंबर बी, जिनका बी है वो सारे के सारे करेक्ट हो, ऐसे क्वेश्चन को आप बनाओगे ये है आपका रियल एज का क्वेश्चन, ज्यादातर ऐसा आता है। आपको करना यह है गैप बराबर देखना है, अगर गैप बराबर ना हो मेरे छोटे बहन भाइयों तो आप गैप को बराबर कर लो, क्लियर जी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12, इसका आंसर आप मुझे बताओ, उसी पैटर्न पे है, उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 इसका आंसर देखो, इसने कहा यदि सीका और राजकुमार की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है, तो आपसे पूछा आगे कहा 15 साल पहले उनकी एज का जो अनुपात था वो 3:1 था, तो आपसे पूछा सीका की वर्तमान उम्र क्या होगी, आज के टाइम अगर देखा जाए सीका कितने साल की होगी, तो यहां पर सबसे पहले जो आपकी बात हुई है यहां पे सबसे पहले बात है 15 साल पहले की, तो अगर मैं देखूं 15 साल पहले की अगर बात करूं, 15 साल पहले आपका कौन था, 15 साल पहले आपका जो है बिफोर आपका 15 ईयर, 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, एक आपकी है सीखा, एक आपकी है सीखा और एक आपका है राजकुमार, तो सीखा और राजकुमार का जो अनुपात है 15 साल पहले कितना था, 3:1, 3:1 था। आप जो है आज क्या कहा, इसने कहा यदि आज के टाइम दोनों है, आज के टाइम मतलब कि आज की बात हुई टुडे की, आपकी आज की बात हुई है, आज के टाइम अगर देखा जाए तो आपका जो है सीका और राजकुमार, सीका और राजकुमार की जो एज का अनुपात है वो है आपका 2:1, कितना है 2:1, सबसे पहले दोनों में गैप देखोगे, 3 से आप 2 पे गए 1 कम हुआ, 1 से 1 पे गए यहां पर 0, 1 से 1 पे गए यहां पर आपका 0 हुआ, तो ये तो आपका गैप बराबर नहीं आ रहा। गैप बराबर करने के लिए क्या करोगे, गैप बराबर करने के लिए आपको यह करना है मेरे छोटे भाई बहनों, आप देखो नीचे जितने का अंतर हो उसकी गुणा ऊपर और ऊपर जितने का अंतर हो उसकी गुणा नीचे, बस यही काम करना है और क्वेश्चन बना देना। देखो 2 में से 1 गया 1 यहां पे तो 1 हुआ, यहां पे देखो 3 में से 1 गया आपका यहां पे 2, भाई नीचे 1 का अंतर तो 1 से ऊपर गुणा, ऊपर वाले में 2 का अंतर उसकी गुणा नीचे, नया रेशो बना लो, यहां से देखो 1 से गुणा करोगे तो 3:1 बना, 2 से करोगे 2×2=4 आपका 2×1=2 बना, यहां से आपका जैसे ही नया रेशो बनेगा पुराने से आपका कोई नाता नहीं। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं मैं कितना आगे जा रहा हूं, मैं देखो 3 से 4 पे गया 1 बढ़ रहा है, 1 से 2 पे गया 1, मतलब कि 15 साल पहले से आज पे जाने के लिए मैं अपने अकॉर्डिंग में, हमारे अकॉर्डिंग में आए जो है 1 बढ़ रहा हूं, 1 बराबर मैं बढ़ रहा हूं, और यह कह रहा है वो कितना बढ़ रहा है, अगर इसको देखूं भाई 15 साल पहले से आज पे आने के लिए कितना बढ़ रहा है, आज पे आएगा 15, तो मेरा 1 बराबर क्या हुआ 15, तो 1 बराबर यहां लिख लेता हूं 1 बराबर क्या आ गया आपका 15। अब पूछा क्या, आपसे पूछा सीखा की वर्तमान उम्र, सीखा की वर्तमान उम्र आपसे पूछी है, सीखा देखो वर्तमान की बात हुई है, ये रही वर्तमान, सीखा कहां है, सीखा आपकी ये रही दूसरे नंबर पे, और दूसरा नंबर किसका, नया रेशो में देखना 2, तो यहां पे आपकी सीखा की बात हुई है, सीखा का मतलब आपका जो है 2 बराबर क्या होगा, 2 बराबर आपका 2 किसका मान है, आपका 2 मान है सीखा का। आप मुझे ये बता दो जो 1 की वैल्यू है उससे गुणा कर दो, 1 की वैल्यू 15 और गुणा 2 और 15×2 क्या हुआ 30, तो यहां पे आपकी जो सीखा है, यहां पे आपकी जो सीखा है, सीखा की पूछी ना, किसकी पूछी, सॉरी 2×4 है ना, एक सेकंड मैंने गलत पढ़ लिया यहां,
सीखा की पूछे ना, पहले वाले पूछ रहे, एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड, मैंने ये सोही राजकुमार वाला ले लिया, यहां पे सीखा की पहली ये है ना, सीखा तो ये है ना, सीखा तो ये है ना, चार की पूछी, तो 15 गुना क्या है आपका, सीखा चार वाली है, मैंने राजकुमार की निकाल दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने राजकुमार की निकाल दी, देखो राजकुमार पे टिक करा मैंने और करना था सीखा वाली, तो यहां पे आपका क्या है, सीखा की पूछी है, तो चार बराबर निकालने, तो चार बराबर क्या होगा, 15 गुना चार बराबर 15 चौका 60, 15 चौका 60, चलिए जी 15 चौका 60, करेक्ट आंसर आपका होगा 60। तो ऐसे आपके एज वाले क्वेश्चन थे, जितने भी कंसेप्ट बन सकते थे मेरे भाई, मैंने जो है ना सारे के सारे मेरे छोटे भाई बहनों बनाता आपको बता दिए। उम्मीद है आज का सेशन आपको जबरदस्त लगा होगा, एक बार लाइक और शेयर करने के बाद एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना आज का ये जो एज वाला कंसेप्ट था, ये सेशन था, ये आपको कैसा लगा, और ये आज चीजें जो है, ये मैथ वाली जो चीजें थी, ये क्या आपको बेसिक से समझ में आई या आपको जो ना थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूं, एसएससी मेकर की टीम आपके लिए 60,000 प्लस वैकेंसी है, और इन वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए एसएससी मेकर की टीम आपके लिए लेकर आई है, आपके लिए जो है क्रैश कोर्स लेकर आई है, और इसमें ऑफर चल रहा है, ऑफर 10 जनवरी तक है, और ऑफर में ये वाला बैच आपको मिल रहा है मात्र ₹250 में। करना क्या है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए भी आपकी एसएससी मेकर की टीम आपके बैच लॉन्च हो चुका है, 4G बैच, ये वही वाला बैच है जिसने लास्ट ईयर आपको हजारों सिलेक्शन दिए हैं, और फिर से आपको सिलेक्शन देने के लिए आपका जो है 4G बैच आ चुका है, और इसमें भी ऑफर चला है, ऑफर में ये आपको मिल रहा है मात्र ₹399 में। करना क्या है, एसएससी मेकर आप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैच परचेस कर लें। डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है 8 बजे होती है, अजय सर चीजों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, तो आपको करना क्या, आपको डेली अजय सर के साथ जुड़ना, कितने बजे, 8 बजे। यहां पर हमारे कुछ लिंक है, ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, और ये ट्विटर का लिंक है, आप इन लिंक पर क्लिक करके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ जरूर जुड़ जाए। और साथ ही साथ ये वाला जो लिंक है आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जब भी कोई इनिशिएटिव जो है, कोई भी चीज स्टार्ट करनी होती है, कोई भी चीज आपको जो कोई भी जानकारी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, जो दी जाती है एग्जाम से रिलेटिव, वो सारी जानकारी जो है आपकी कहां उपलब्ध होती है, टेलीग्राम चैनल पे। तो आपसे अनुरोध है मेरे छोटे भाई बहनों, ये वाला जो है आप जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। चले आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।